बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाएंगे सब्ज़ी, और सब्ज़ी में बनाएंगे तुरई। आप तुरई कह लें या तोरी कह लें, दोनों एक ही नाम है। मैं तुरई कहती हूँ, कुछ लोग तोरी कहते हैं। तो ये सब्ज़ी है, तो हम इसे बनाएंगे। पहले हम इसे पील करेंगे। तुरई को मैं पील करूँगी। पीलर की मदद से इजीली पील हो जाएगी ये, और फिर हम इसे कटिंग कर लेंगे। अच्छा, सब्जियों की एक बात ये है कि सब्जियों को हमेशा वॉश कर पहले करना चाहिए, और फिर बाद में कटिंग करना चाहिए। इससे ये होता है कि इसके मिनरल्स वगैरह ज़ाया नहीं होते। तो ये मैं इस तरह से हम इसे पील करके रखते जाए। तुरई को मैंने कटिंग कर लिया है, स्लाइस कर लिए इसके बारीक। हाफ कप कुकिंग ऑयल मैंने शामिल किया है, उसमें एक प्याज शामिल करूंगी। सब्जी में ऑयल कम जाता है, तो मैंने कम ऑयल डाला है इसमें। प्याज को फ्राई करेंगे। प्याज पे सौते कर लिया है, अब इसमें एक टेबल स्पून अदरक लहसुन का डाल देंगे। अदरक लहसुन डाल दिया है मैंने इसमें, साथ ही एक टमाटर और चार हरी मिर्च डाल देंगे। हरी मिर्च को कट लगा दिए। फ्राई करेंगे थोड़ी देर से। एक टी स्पून किसी भी लाल मिर्च शामिल करेंगे। हाफ टी स्पून इसमें शामिल करेंगे हल्दी पाउडर, और एक टी स्पून इसमें शामिल करेंगे नमक। थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे। मसाले को भून लेंगे अच्छी तरह से। टमाटर को डिजॉल्व होने के लिए थोड़ी देर बंद कर देंगे इसको, लेट इसका कवर कर देंगे। मसाले को अच्छी तरह से हमने भून लिया है। अब तुरई जो हमने काट के रखी थी वो इसमें शामिल करेंगे, और फिर से इसे भूनेंगे मसाले के अंदर। बहुत ठंडी होती है तुरई, और बहुत अच्छी होती है। सब्जियों का इस्तेमाल हमें ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए, हमें हेल्दी और फिट रखता है। बच्चे तो खैर नहीं खाएंगे ये, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश यही होती है कि साइड डिश एक बच्चों के लिए बनाकर, तो ये भी उनको थोड़ा सा लालच देके कि मैंने आपके लिए ब्रोस्ट बनाई है, या कुछ और उनकी पसंदीदा चीज़ बना दी है, साथ में फ्राइज बना दिए, तो सब्ज़ी फिर इस तरह से खिला देती हूँ मैं, क्योंकि सब्ज़ियों के बहुत फ़ायदे हैं। तो बच्चे किसी न किसी तरह थोड़ी बहुत खा ही लेते हैं। ये समझती हूँ भले थोड़ी खाएँ, लेकिन बच्चे खाएँ तो सही, आदत होनी चाहिए उन्हें सब्ज़ियाँ खाने की। आजकल बच्चे फास्ट फूड की तरफ बहुत ज़्यादा बच्चों का ध्यान है, तो कोशिश होती है कि इस तरह की चीज़ें भी, सब्ज़ियाँ हम बनाकर बच्चों को ज़रूर खिलाएं। खाली सब्ज़ी देंगे तो कभी भी नहीं खाएंगे, लेकिन ये कि साथ में उनकी पसंदीदा डिश भी बना दी जाए। उनसे यही कहा जाएगा पहले आप थोड़ा सा ये खाएँ, इसको टेस्ट करें, और फिर उसके बाद आप जो आपने बनवाया है आप वो खा सकते हो। फास्ट फूड वैसे भी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है सेहत के लिए, लेकिन बच्चे हैं आजकल के, न्यू जनरेशन ही वे पसंद करते हैं फास्ट फूड को, तो बस उनकी पसंद का भी ख्याल रखना होता है। चलिए इसको थोड़ी देर कवर करते हैं। सब्ज़ियाँ अपने पानी में ही पकती हैं, तो हम पानी शामिल भी नहीं करेंगे, और ये भुन जाएगी अच्छे से। चेक कर लेते हैं सब्ज़ी को। ये देखें, मैंने इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डाला, और ये बिल्कुल तैयार हो गई है, अपने पानी में ये पक चुकी है, और बहुत अच्छी सी सब्ज़ी तैयार हुई है। गरम गरम चपाती के साथ आप खाएं इसे, बहुत मज़ेदार किस्म की लगेगी, और साथ में सलाद वगैरह जो भी आप खाना चाहें, रायता साथ में रख लें सब्ज़ी के साथ, तो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये सब्ज़ी तैयार हो चुकी है, जूम करके मैं आपको दिखा देती हूँ। तोरी हमने बनाई है, तो बहुत अच्छी सी सब्ज़ी ये तैयार हुई है। फिर नेक्स्ट रेसिपी के साथ हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अपना बहुत रखिएगा ख्याल, और हमें रखिएगा दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।